हेलो एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज दिल्ली सल्तनते। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। पहले वंश यानी गुलाम वंश के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके सुझाव और राय मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लिहाजा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैल्यूएबल नॉलेज को मेरे साथ कमेंट के जरिए शेयर करें। आपका पार्टिसिपेशन ही मेरा मोटिवेशन है। खैर, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है खिलजी वंश। सबसे पहले जानते हैं इस वंश के ओरिजिन के बारे में कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए वगैरह वगैरह। खिलजी मुख्य रूप से एक तुर्की अफगान ट्राइब थे, जिनके पूर्वज मुख्य रूप से तुर्की लोग थे, जो सेंट्रल एशिया से हूनों के साथ मिलकर आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए थे। इस्लाम के आने से पहले यानी 660 ईसा पूर्व इन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान में बौद्ध तुर्क शासकों के रूप में काबुल पर राज किया। कुछ इतिहासकारों की माने तो दिल्ली सल्तनत के अमीर इन्हें अफगान ही समझते थे, क्योंकि भले ही ये ओरिजिन से तुर्क थे मगर अफगानिस्तान में रहने की वजह से इन्होंने कुछ हद तक अफगानी रीति रिवाजों में खुद को ढाल लिया था। तो ये तो थी इनकी ओरिजिन। अब जानते हैं इनका दिल्ली सल्तनत से क्या नाता था। एट इनिशियल स्टेज खिलजीज वेयर दी वसाइल्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी। वे दिल्ली के पहले वंश गुलाम वंश में एक जागीरदार के रूप में काम कर रहे थे। इस वंश के नौवे शासक गयासुद्दीन बलबंग के समय खिलजियों का छोटा सा ग्रुप दरबार की नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। आगे चलकर इनका रुतबा सुल्तान की नजरों में बढ़ता गया। ऐसे में बाकी तुर्किश नोबल्स को खिलजियों से नफरत होने लगी। नफरतों के इस दौर में एक आंतरिक विवादों ने जन्म लिया और शुरू हुआ एक खूनी खेल। सुल्तान को रोजाना किसी न किसी दरबारी की मौत की खबर सुनने को मिलती। कभी वो खिलजियों का होता था तो कभी तुर्कों का। इस आंतरिक विवादों को मिटाने के लिए सुल्तान बलबन ने कई प्रयास किए मगर वो इसमें विफल रहा। बलबन की मौत के बाद सत्ता पर आया उसका पोता कैकाबाद एक पावरफुल सुल्तान नहीं था। कम उम्र की वजह से वो दरबार में चल रहे इस इंटरनल स्ट्रगल को कभी समझ ही नहीं पाया, लिहाजा इसका मुआवजा उसे अपनी मौत से चुकाना पड़ा। कैकाबाद की हत्या उसी के निकटतम सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। ये वक्त था जनवरी 1290 का, जब दिल्ली की गद्दी पर कैकाबाद की मौत के बाद गुलाम वंश का खात्मा हो गया और शुरू हुआ खिलजी वंश का नया दौर। खिलजियों के पहले शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी 70 साल की उम्र में खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था। सत्ता पर आते के साथ ही उसने अपने एक्सपांशन पॉलिसीज के तहत कई रियासतों को कब्जे में ले लिया था। एट द सेम टाइम वो मंगोल आक्रमणकारियों से भी अपने क्षेत्रों को बचा रहा था। अपने भतीजे जुना खान की मदद से वो मंगोल फोर्सेस को सिंध नदी के पार खदेड़ने में कामयाब रहा। जुना खान की बात की जाए तो ये वही इंसान है जिसने आगे चलकर 1296 में जलालुद्दीन को मारकर गद्दी हत्या ली थी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, जलालुद्दीन की मौत तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, फिर ये जुना खान कौन है। तो आपको बता दूं कि जूना खान ही वो शख्स है जो आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल ये बड़े बड़े नाम जैसे कि जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, ये एक महज एक टाइटल होते हैं जो गद्दी पर आने के बाद कोई भी सुल्तान धारण करता है और आगे चलकर इन्हीं नामों से इन्हें हिस्ट्री में जाना जाता है। खैर, 1296 में जलालुद्दीन को मारने के बाद अलाउद्दीन बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। उसने 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रीजन उसने सबसे पहले मंगोल इन्वेजन को रोका, क्योंकि सत्ता विस्तार के लिए खुद का सुरक्षित होना बहुत इंपॉर्टेंट था और यह तभी मुमकिन था जब वो मंगोल को पूरी तरह से खदेड़ दे। 6 फरवरी 1298 में जरान मुंजुर यानी प्रेजेंटली सिंध लाहौर के पास मंगोल के साथ हुई एक फाइनल बैटल में अलाउद्दीन मंगोल को पूरी तरह से निस्तेनाबूत कर देता है। मंगोल आक्रमणकारियों पर हुई उसकी ये जीत दिल्ली की गद्दी पर उसका एक राज तिलक साबित हुई। अलाउद्दीन ने बहुत कम लड़ाइयां खुद जंग के मैदान में उतरकर लड़ी। उसके पास बहुत से ऐसे वफादार और खूंखार सीपे सलार थे जो जगह जगह जाकर उसके लिए जंग लड़ा करते। जाफर खान, नुसरत खान, आयन मुल्क मुल्तानी, मलिक गफूर,
मलिक तुगलक और मलिक नायक। ये उन सरदारों के नाम हैं जिन पर सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था। इन सभी की मदद से 1305 आते आते अलाउद्दीन लगभग सारे उत्तर भारत का स्वामी बन गया था। अब उसकी नजर भारतवर्ष के दक्षिण रियासतों पर थी। ऐसे में 1308 के दौरान वो अपने सबसे चहेते सिपे सलार मलिक कफूर की मदद से दक्षिण में स्थित वारंगल को कैप्चर करता है। एट दैट टाइम वारंगल वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ होयसल एम्पायर। मलिक गफूर इस क्षेत्र को पूरी शिद्दत से लूटता है। वारंगल में किए इसी लूट में मलिक गफूर को आज का सबसे बेशकीमती नगीना कोहिनूर मिला था, जहां उसने उसे 1311 में वापस दिल्ली लौटने के बाद अलाउद्दीन को सौंप दिया था। यहीं से शुरू होती है कोहिनूर हीरे की कहानी। बहुत से इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी को एक खूंखार सुल्तान की उपाधि देते हैं। कहा जाता है कि केवल शक के आधार पर वो किसी भी इंसान को उसके परिवार समेत मार डालता था। इस मामले में उसने अपने खुद के परिवारजनों तक को नहीं बख्शा। उसने अपने भतीजों को केवल इस वजह से मार डाला कि उसे ये शक होने लगा था कि ये सब मिलकर सत्ता की लालसा में कहीं मुझे ना मार डाले, जैसे उसने अपने चाचा जलालुद्दीन को मारा था। जनवरी 1316 में एक बीमारी के चलते अलाउद्दीन की मौत के बाद खिलजी वंश में एक बहुत बड़ा सक्सेशन गैप देखने को मिलता है। अलाउद्दीन के जाने के बाद पहले तो मलिक गफूर गद्दी पर बैठा, मगर इस मामले में वो थोड़ा कच्चा खिलाड़ी साबित हुआ। अलाउद्दीन के साथ रहते रहते वो शायद ये भूल गया था कि युद्ध नीति और राजनीति में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो अच्छा मिलिट्री कमांडर जरूर था, मगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। बस यही वजह थी कि मलिक गफूर अलाउद्दीन के बाद ज्यादा देर तक दिल्ली की गद्दी पर राज नहीं कर सका। कुछ ही महीनों बाद दरबार के ही अमीरों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। खैर, इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर एक के बाद एक तीन सुल्तान आए, मगर ये सभी दरबारी अमीरों की कठपुतलियां थे। दरबार के षड्यंत्रों के शिकार बने खिलजियों के आखिरी सुल्तान मुबारक शाह को भी 1320 में एक आर्मी जनरल खुसरो खान द्वारा मार दिया जाता है। इस बीच पंजाब में बैठा खिलजियों का एक कमांडर गाजी मलिक पंजाब से दिल्ली आकर खुसरो खान को भी मार देता है। गाजी मलिक ही वो इंसान था जिसने आगे चलकर दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश की नींव रखी। ये वही इंसान था जो आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। उसके इस कदम से अब दिल्ली पर खिलजियों का वर्चस्व खत्म हो गया था और शुरू हुई एक नए वंश की दास्तां जिसका नाम था तुगलक वंश। तो यहां तक हमने देखा खिलजियों के घराने और एक्सपांशंस के बारे में। अब जानते हैं इनके इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अलाउद्दीन एक सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा था। ऐसे में उसका सबसे पहला मकसद अपने खजाने को पूरी तरह से भरना था। उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर टैक्सेस को बढ़ाते हुए 20% से 50% कर दिया था। साथ ही साथ वो दरबारी कवि और विद्वानों के सैलरीज में भी कटौती कर रहा था। उसके राज में ऑफिशियल्स आपस में किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रख सकते थे, जैसे कि इंटरनल मैरिजेस, त्योहारों को एक साथ मनाना वगैरह वगैरह। उसका मानना था कि ऑफिशियल्स के बीच बढ़ती नजदीकियां उसके खिलाफ षड्यंत्रों को हवा दे सकती है, लिहाजा इसे रोकने के लिए वो ऐसे बेबुनियाद कानूनों को अमल में ला रहा था। अलाउद्दीन ने अपने राज में नॉन मुस्लिम्स के लिए चार प्रकार के टैक्सेस का प्रावधान किया। नंबर 1 जिजिया यानी पुल टैक्स। नंबर 2 खराज यानी लैंड टैक्स। नंबर 3 कारी यानी हाउस टैक्स। और नंबर 4 छेरी यानी पास्चर टैक्स। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे दिए थे कि वे जब चाहे तब किसानों से खड़ी फसल का आधा हिस्सा टैक्सेस के रूप में ले सकते हैं, जिससे सल्तनत के अन्न भंडार को भरा जा सके। सुल्तान के इस आदेश को पूरा करने के लिए अधिकारियों में एक होड़ सी लगने लगी। अपने वसूली के एनुअल टारगेट को पूरा करने के लिए ये किसानों पर जुल्म ढाने लगे। कभी कभी ये जुल्मों के दायरे इतने बढ़ने लगे कि किसान को मजबूरी से अपनी सारी फसल सल्तनत के नाम करनी पड़ती। खैर, तो ये थी खिलजियों की इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। आप जानते हैं इनके राज में चलने वाली स्लेवरी यानी दास प्रथा के बारे में। खिलजियों के शासन काल से और खास करके अलाउद्दीन के समय से भारत की आधी से भी ज्यादा जनता गुलामी का जीवन व्यतीत कर रही थी।
ये गुलाम सुल्तान के साथ साथ अधिकारियों, अमीरों और सैन्य कमांडर्स के लिए सर्वेंट, प्रोस्टिट्यूट और गार्ड्स के रूप में काम किया करते। खिलजियों के राज में गुलामों को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तो थे युद्धबंदी, जिन्हें युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना से बरामद किया जाता, और दूसरे थे कर्जदार। जो भी अलाउद्दीन के कहेनुसार टैक्सेस को नहीं दे पाता, वो इस गुलाम प्रथा का शिकार होता। कुल मिलाकर खिलजियों की ये नीतियां पूर्ण रूप से दमनकारी तत्वों पर आधारित थी, जहां जनता का खुली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। तो ये थी कहानी दिल्ली के दूसरे वंश खिलजियों के बारे में। आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब रोज की तरह जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, इस्लाम में खलीफा का मतलब होता है द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये एक उपाधि थी। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको चार ऑप्शन भी देना चाहूंगा। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के अगले वंश के साथ, जिसका नाम है तुगलक वंश। तब तक के लिए धन्यवाद।